नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरण गुप्ता, अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक मोदी केयर के हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में आपको नॉलेज दूंगी। उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, किन कारणों से ये प्रॉब्लम्स होती है, कैसे इन्हें पता लगाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसकी कमी है और कैसे इसे पूरा किया जाए, और उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे इसको हमें खाने से, ये सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अपने वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में। आपने मार्केट से कैल्शियम खाया होगा और ज्यादातर रिकमेंड रहता है हमारा 30 के प्लस की एज। जब हमारी 30 प्लस की एज हो जाती है, ज्यादातर हम इसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम की नीड क्यों है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर, तो आज ये सभी कुछ आपको जानने को मिलेगा। कैल्शियम हमारी हड्डियों के रखरखाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 99% कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों के अंदर ही होता है और 1% जो कैल्शियम होता है वो हमारे ब्लड के अंदर होता है। जो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है वो हमारी मांसपेशियों के रखरखाव के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है उसका, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम, उसकी कमी की वजह से हाई कैंसर तक का खतरा हमें हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में, जो हमें नीड होती है उतना हमें जरूरी है लेना। 30 की एज के बाद क्या होता है, कैल्शियम बहुत ही स्पीड से कम होना शुरू हो जाता है, और यदि हम इनटेक नहीं कर रहे हैं कैल्शियम का तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे कमी आने लगती है और कई बार वो भयंकर बीमारियों का रूप ले लेता है। हमारी बोन्स को कैल्शियम का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यदि आज हम अपनी देखरेख के लिए कैल्शियम को कंज्यूम कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर जाकर, यदि अभी नीड नहीं है यूज करने की तो स्टोर हो जाता है हमारी हड्डियों के अंदर जाकर। जैसे एक बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, जब जरूरत होती है हम उसमें से निकाल लेते हैं, उसी तरह से हमारी हड्डियों में जाकर स्टोर हो जाता है। जब हमारी हड्डियों को या हमारी बॉडी को कैल्शियम की नीड होती है तो वहां से कैल्शियम यूज हो जाता है और हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए हमें कैल्शियम की जरूरत है कि जैसे ही आप 30 के हुए हो आपको कैल्शियम डेली अपनी डाइट में यूज करना है और इसका इनटेक करना है। अब ये बात आती है कि हम कौन से कैल्शियम को यूज करें और कितनी एमजी की जरूरत हमें होती है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस एज में हमें कितना कैल्शियम की जरूरत होती है, हमें कितना कैल्शियम की नीड होती है जो हमें खाना चाहिए। हमें 1 से 9 साल की एज में 600 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। 10 से 17 साल की एज में हमें 800 mg की कैल्शियम की नीड होती है। जो जेंट्स है उन्हें 600 mg की जरूरत होती है और लेडीज को ये 1200 mg की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा लेडीज को ही कैल्शियम की नीड होती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम खाना चाहिए। क्या हमारी बॉडी कैल्शियम अपने आप बना लेती है? नहीं, इसे हमें ऊपर से ही लेना होता है, अपने आप ये बॉडी में नहीं बनता है। तो हमें कैल्शियम का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा सुनने में आया कि आप ज्यादा खा लेते हो तो स्टोन की इशू हो जाते हैं, और बहुत लोग जिन्हें स्टोन बना हुआ है वो कैल्शियम नहीं खा पाते। मार्केट का जो हम कैल्शियम लाते हैं, आपने देखा डॉक्टर भी जब हमें कहते हैं कि आपको कैल्शियम की जरूरत है, आप कैल्शियम लिखकर देते हैं टैबलेट खाने के लिए, तो वो हमेशा खुद भी कहते हैं कि आप लगातार मत खाना, टाइम टू टाइम ब्रेक करके खाना, यानी कि 1 मंथ खाया है तो आपको उसके बाद 10 से 15 दिन छोड़ना है, फिर से कैल्शियम खाना है। आप लगातार नहीं खाना कैल्शियम को, क्योंकि यदि हम लगातार खाते हैं कहीं ना कहीं वो स्टोन का इश्यू बनाता है हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। पर जो मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, आपको कैल्शियम के साथ और भी बहुत सारे फायदे देने वाला है आपकी बॉडी में, और आप इसे रेगुलर खा सकते हैं। जिन्हें स्टोन का इश्यू है वो लोग भी इस कैल्शियम को खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अंदर है फ्रेंड्स कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, इसके अंदर है मैग्नीशियम, इसके अंदर है विटामिन D2, इसके अंदर है विटामिन के एंड जिंक, इसके अंदर है सीरस क्यूड्रेन गुलेरिस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं बताऊंगी ये सारी ही चीजें हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट ये बहुत ही घुलनशील होता है, हमारी बॉडी में जाके बहुत जल्दी डिसोल्व हो जाता है। ये हमारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए और डेवलपमेंट करने के का काम करता है। जो विटामिन D2 होता है, कहते हैं ना जब हम कैल्शियम ले रहे होते हैं हमें विटामिन डी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर विटामिन D2 डाला गया है, जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर है मैग्नीशियम जो हमारी हड्डियों के स्ट्रक्चर को सही रखता है, उनकी शेप को बदलने ही नहीं देता। आपने देखा होगा बहुत लोगों की हड्डियों की शेप जैसे ही काफी कुछ टाइम बाद या एज हो जाती है तो झुकने लगते हैं, आपके पीछे की जो बोन हमारी होती है वो उसपे चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चर खराब होने लगता है, तो उसे स्ट्रक्चर को ही ठीक रखता है, हमारी बॉडी की शेप को बदलने नहीं देता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। इसके अंदर है विटामिन के, विटामिन के क्या करता है, जो हमारी आर्टरी की दीवारें होती हैं उसके ऊपर कैल्शियम को चिपकने नहीं देता। कहते कहीं भी हमारी हड्डियों में कैल्शियम चिपकता है या कहीं ना कहीं हमें नुकसान देने लगता है, वो हेल्प करता है बायोकेमिकल रिएक्शन से, किसी भी तरह के केमिकल के रिएक्शन से हमें सेव करने का भी काम करता है, और जो ब्लड का फ्लो होता है उसे बिल्कुल प्रॉपर बनाए रखता है, जिसकी वजह से जो हमारा बीपी है ठीक तरह से
रहता है, ना तो वो हाई होता है ना ही वो लो होने का काम करता है। इसके अंदर जिंक अमीनो एसिड है जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें बहुत जल्दी से ये डाइजेस्ट हो जाता है कैल्शियम खाने के बाद, तो उसमें ये हेल्प करता है। जब कैल्शियम के साथ हम इन सब चीजों को ले रहे हैं तो कैल्शियम हमें नुकसान नहीं देता है, बहुत सारे इसके फायदे आपको मिलते हैं। इसके अंदर है सीसस क्यू डुरेन गुलेरिस, जो बहुत ही एक तरह का हड्डजोड़ कहते हैं इसे। ये जो भी हड्डियां हमारी ब्रेक हो जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती है छोटी छोटी, कैल्शियम की कमी होने से वो अपने आप ही ब्रेक होने लगती है, जो आगे जाके हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करने का काम करती है। जब इसके अंदर ये चीज डली हुई है, जब हम इसको यूज करते हैं और इसे खाते हैं, तो वो उन हड्डियों को तो टूटने नहीं देता है और वो जो क्रैक हड्डियां हो रही होती हैं छोटी छोटी हमारी, उन्हें जोड़ने का भी काम करता है। ये आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है और आप इसका यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपकी हड्डियों में इम्प्रूवमेंट लाता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि क्या क्या है हमारी कैल्शियम के अंदर, तो आप भी जरूर इसे खाना चाहोगे। मैं रेगुलर, यदि आपको कैल्शियम से रिलेटेड कोई इशू नहीं है तो आपको एक साल में 3 महीने रेगुलर कैल्शियम यूज करना चाहिए। यदि आपको कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडियों में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको कैल्शियम 6 मंथ रेगुलर लेना चाहिए। तो अब ये दिक्कतें क्या है, कैसे पता लगाएं कि कैल्शियम की कमी क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसकी कमी से, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, जिससे आपको पता चले कि यदि ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की ओर इशारा है कि आपको कैल्शियम की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, क्या लक्षण है इसके? फ्रेंड्स, आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन रहता हो, आप एक जगह बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उठते हैं तो आपके घुटनों में दर्द आता है। कई बार आप मार्केट जाते हैं और चलते चलते पैरों में लचक आने लगती है और पेन होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम आपको है। आपके दांतों और मसूड़ों में दर्द रहता है, ये भी इसका एक कारण है। आपकी त्वचा बहुत रूखी होती है और रेडनेस रहती है, कहीं ना कहीं रेड रेड उसके पेचे से बनते रहते हैं, तो भी कैल्शियम की कमी है। यदि आपको चोट लग जाती है, आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है और ब्लड बहना रुकता नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी में। यदि आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने हम क्या करते हैं बहुत तरह के ऑयल, बहुत तरह के शैम्पू, बट कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी की वजह से वो बाल झड़ने रुकते नहीं है, तो हमें कई बार कैल्शियम की कमी होती है तो ये बाल झड़ने हमारे नहीं रुकते हैं। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और ड्राई है तो भी शायद कैल्शियम की आपको कमी है। कहते हैं ना, बढ़ती उम्र में बच्चों की हाइट खींचती है, पर कई बच्चों की हाइट नहीं खींच पाती, रुक जाती है ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। यदि आप अपने बच्चों को भी 70 यदि एज के हैं और उन्हें कैल्शियम इनटेक करा रहे हैं, आप देखना उनकी हाइट बढ़ेगी। आप उन्हें कैल्शियम दीजिए, उनकी हाइट जरूर बढ़ेगी। हमें सुस्ती रहती है, थकान रहती है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, कहीं ना कहीं ये कारण भी है कैल्शियम की कमी का। तो फ्रेंड्स, आपने जाना बहुत सारे कारण है हमारे अंदर जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है। तो आपको कैल्शियम जरूरी है खाना। कई बार हमें चाय की बहुत ज्यादा, आपने देखो बहुत लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, चाय का ज्यादा भी इनटेक करना कहीं ना कहीं हमारे कैल्शियम को कम करता है, वो कैल्शियम को हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होने देता। तो हमें चाय की हैबिट को थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसकी आदत को उसे कम करना पड़ेगा और हमें अपनी हैबिट में ग्रीन टी को ऐड करना होगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं। कैल्शियम को हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स हमारे कैल्शियम को कहा जाता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कैल्शियम की नीड हमें ज्यादातर बहुत जरूरी होती है, कम उम्र से ही हमें जरूरत होती है। यदि आप इसे इंटेक करेंगे तो इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, कैल्शियम की जो नॉलेज मैंने आज आपको दी है, आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को भी दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर एक प्रोडक्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।